हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए अमेरिकी बाजार फिर से फ्लैट। मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि ये खरीदें या बेचें, क्या करें, किसी को समझ नहीं आ रहा। और ये फ्लैट ओपन यहाँ पे अमेरिकी बाजार हुए हैं, जो कि आप देखिए आज की डेट में अगर आपको निफ्टी सेंसेक्स में उछाल से आप जरा लालच में आए होंगे, तो मैं फिर से कहूँगा लालच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया में सेबी ने भी एक कड़ा फैसला आज की डेट में लिया है, आप लास्ट वीडियो में उसके बारे में देख सकते हो। यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग को बंद कर दिया गया है, लेकिन बंद नहीं कहूँगा मैं इसको, थोड़ा सा टफ कर दिया गया है कहूँगा, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस वहाँ पर लगाई गई है। लेकिन उससे पहले देखिए आज की डेट यानी कि शुक्रवार अमेरिकी बाजारों का क्या हाल है। अब तो पता लगेगा मंडे को, क्योंकि इंडिया में संडे सब कुछ यहां पे मोदी जी के आग्रह पे सब बंद है, और आने वाले टाइम पे बहुत कुछ हो सकता है, इसीलिए आपको समझने की जरूरत है। मैं बहुत टाइम से ऑलमोस्ट मुझे चौथा यह हफ्ता हो गया कि लालच में नहीं आइए, लालच में नहीं आइए कहते हुए, और उसके पीछे भी कोई कारण है, वो दिख रहा है साफ क्लियर। कितनी बड़ी समस्या, कितनी बड़ी परेशानी आपके सामने खड़ी है, फिर भी आप यहां पे कह रहे हो कि नहीं, लो बन चुका है खरीदो, लो बन चुका है, पब्लिक आपको बताया जा रही है लो बन चुका है खरीदो। लेकिन मेरा मानना है थोड़ा सा कंसोलिडेशन, यहाँ पे बिजनेस ठप हो रहे हैं, इस चीज़ को समझिए, बिजनेस ठप हो रहे हैं, होटल इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, और न जाने कहाँ कहाँ इसका फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि अब आने वाले टाइम जो है इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है। आप अमेरिका में देख सकते हो अभी किस तरीके से वहाँ 15,000-14,000 का जो है काउंट बढ़ चुका है, बाकी कंट्रीज़ में देख सकते हो। चलिए फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे अमेरिकी बाजार एंड ऑल की डिटेल में, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। आज की डेट में आपने निफ्टी को देखा होगा, 500 पॉइंट उछल गया, सेंसेक्स 1600 पॉइंट उछल गया, लेकिन यहाँ पे डाउ जोन्स को देखिए, नीचे उछलते ही नीचे गिरा, देखिए बिल्कुल नीचे धराशाई हुआ, अब थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ। देखिए अभी 105 पॉइंट, 108 पॉइंट ऊपर है डाउ जोन्स, नैसडेक को अगर देखूँ तो 102 पॉइंट जो है ऊपर है। तो भाई इसी तरीके से अप डाउन मोमेंटम चल रहा, कितनी वॉलेटिलिटी है यहाँ पे, क्या किया जाए समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, कैसे पैसे यहाँ पे कमाए जाए। अब आप कहोगे यार लोग सोचेंगे कि सब कुछ अच्छा हो गया, देखिए अभी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, खास करके इंडिया की। यूरोप में ऑलरेडी फैल चुका है, वो लोग अवगत हैं चीज़ों से, और इंडिया के नंबर्स अगर आप देखोगे, देखिए 10,448 टोटल डेथ, काउंट टोटल 2.5 लाख के ऊपर हो चुका है। हर दिन मैं आपको, हर वीडियो में ऑलमोस्ट अपडेट करके आपको बताया करता हूँ, इसीलिए आपको बताया करता हूँ 183 कंट्रीज, मतलब अब ऐसा कोई कंट्री आने वाले टाइम पे कुछ दिनों में ऐसा रहेगा ही नहीं, पूरे पूरे विश्व में छा जाएगा ये वायरस। देखिए स्पेन में आज एक दिन के अंदर 171 डेथ हुई है, जिससे ये काउंट बढ़ के 1000 के पार चला गया डेथ का काउंट। इटली में कल चाइना को पार कर दिया इटली ने, देखिए 3400 का काउंट। अभी जब रात को 11 बजे के आसपास इटली का जो डाटा है अपडेट होता है तो मैं आपको जरूर बताया करता हूँ। यहाँ पे ईरान का डेथ काउंट देखिए 1400 हो चुका है। जर्मनी के नंबर्स देखिए आप, 2000-2500 एक साथ बढ़ रहे हैं। जर्मनी के बाद सीधे अमेरिका आ चुका है, 14,000 टोटल केसेस, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है भाई। फ्रांस देखिए, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड देखिए किस तरीके से बिल्कुल छा रखा है, नेदरलैंड, पूरा का पूरा यूरोप छा चुका है, मतलब पूरा पूरा कवर हो चुका है। बात रहती है एशिया की, एशिया में पाकिस्तान के नंबर 467 है, उसके अलावा अगर मैं देखूं यहाँ पे इंडिया 223-226 इसी रेंज में अभी लाई कर रहा है। और बात करते हैं क्रूड ऑयल की, देखिए मैं आपको सारी चीज़ें इसीलिए आपको समझाया करता हूँ, कल की डेट में क्रूड ऑयल 20% ऊपर था, तो आपने देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कितना जंप मारा, लोग समझ ही नहीं रहे रिलेशन क्या है, क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा रिलायंस जंप मारेगा। आज की डेट में अगर आप देखो वापस क्रूड ऑयल गिरने लग गया है, 5% WTI क्रूड गिर रहा था, वो ब्रेंट क्रूड 2% गिरा, अगर ये गिरता रहेगा तो फिर समस्या बढ़ती रहेगी रिलायंस जैसे शेयर के लिए, और नीचे गिरेगा ONGC रिलायंस जैसे शेयर के लिए। और बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की, जैसा कि मैं आपको बताते रहता हूँ ग्लोबल मार्केट, अगर अमेरिका की बात करते हैं, ADRs की बात करते हैं, तो HDFC बैंक का ADR आप देख सकते हो कि कहाँ, अमेरिकन मार्केट की बात हो रही है तो ADR यहाँ पे थोड़ा सा अप है, मार्केट अप है थोड़ा सा तो अप है। ICICI बैंक का भी ADR जो है थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, इन्फोसिस का ADR थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन कब तक ये मार्केट, अमेरिकन मार्केट डाउन आएगी तो ये भी नीचे आ जाएगा। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ जैसे कि एशियन मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट थे, बल्कि निफ्टी सिंगापुर वाली तो 309 पॉइंट डाउन ही थी। और अगर मैं वर्ल्ड मार्केट्स की बात करूँ, यूरोपियन मार्केट्स ने थोड़ा सा जो है पॉजिटिविटी आज दिखाई थी, थोड़ा सा पॉजिटिविटी मैं कहूँगा, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि लालच में मत आना किसी भी उसमें। अब बात करते हैं नैसडैक डाउन जोन्स का, मैं आपको चार्ट दिखाया करता हूँ, देखिए चार्ट में मैं आपको यही बताने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए चार्ट में क्लियर कट, ये 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से भी आप देखिए शॉर्ट सेलिंग के लिए, जब भी मैं आपको कोई भी चीज़ है, डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, मैंने आपको हमेशा बताया एक चीज़ आप अगर समझ लोगे तो आप हर टाइम फ्रेम में, चाहे लॉन्ग में हो, चाहे शॉर्ट में हो, चाहे इंट्राडे में हो, पैसा कमा पाओगे। देयर इज ओनली टू थिंग, क्या
इम्पल्स करेक्टिव, ये दोनों चीजों से सब कुछ बनता है। ये अप ट्रेंड में इम्पल्स करेक्टिव, डाउन ट्रेंड में देखिए किस तरीके से इम्पल्स करेक्टिव, जो मेजर मूव नीचे को है तो इसको इम्पल्स कह दो, देखिए ये करेक्टिव हो गया। अब फिलहाल डाउन ट्रेंड में अगर आप देखो, देखिए इम्पल्स, ये करेक्टिव, और जैसे ही करेक्टिव आपका रिजॉल्व हो जाए डाउन ट्रेंड में आप बेच दो, फिर खरीद लेना। अब यहाँ पे देखिए इसी चीज को मैं आपको एक एक रिटेल इन्वेस्टर को ये समझाने की कोशिश करता हूँ, भाई समझो यही पूरी कहानी है, यही पूरी जड़ है। करेक्टिव रिजॉल्व होके खरीदना है या बेचना है, और इंपल्स तो आप देखिए फिर आपका पैसा कहाँ बनेगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आप कहोगे कहाँ पे करेक्टिव रिजॉल्व हो रहा है, देखिए बेसिक चीज देखिए, कोई टफ जॉब नहीं है। आप यहाँ पे सीधे सीधे इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, देखिए ये आपका ज्वाइंट कैंडल बन रहा है, ये आपका करेक्टिव यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। करेक्टिव रिजॉल्व हुआ, आपने यहाँ मान लीजिए बेच दिया, बेच दिया, फिर आप देखिए जितनी आपकी मर्जी कमाते जाइए। दूसरी चीज ये इंपल्स बन गया, देखिए इंपल्स के बाद फिर से करेक्टिव बना, करेक्टिव रिजॉल्व होते फिर देखिए कहाँ गया। अब देखिए इंपल्स बना है ये, अब ये देखिए करेक्टिव बन रहा है। अब भाई करेक्टिव बनेगा तो भाई, इसीलिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, लॉन्ग पोजिशन स्विंग ट्रेडिंग सब बंद कर दीजिए भाई। अभी तो जो इंट्राडे कर सकते हो उसके ऊपर भी सेबी ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी भाई, मतलब बैन नहीं किया, रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए हमने कहा भाई ये इंपल्स है, ये करेक्टिव बन रहा है, करेक्टिव में ये रिजॉल्व हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे रिजॉल्व हो चुका ऑलमोस्ट ये। अब आपको रिजॉल्व देखिए, बेसिक चीज कोई, अब बेसिक चीज रिजॉल्व हो रहा है। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे इस कैंडल को बनने दीजिए, और बनने के बाद अगर इसने इस पॉइंट से नीचे यहाँ पे चला गया तो आपने बेच दिया, स्टॉप लॉस आपका रेडी है 202 के आसपास। तो यही तो चीज 2240, यही चीज आपको समझनी है। इसमें क्या होगा, आपके चांसेस कमाई के बहुत रहते हैं, और अगर लॉस के चांसेस होते हैं तो आपके पास क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। मान लीजिए आपने यहाँ पे बेचा था और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे है, इससे ऊपर जाता तो आपने भाई अपने कहा नहीं भाई ये तो मेरी थ्योरी फेल हो रही है, इससे ऊपर तो मैं भाई बिल्कुल मैं तो निकल जाऊंगा। देखिए मतलब एक मिनिमम रिस्क तो है, रिस्क डेफिनेटली रिस्क है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर ये 5 मिनट का डाटा, देखिए ये आपका करेक्टिव बना छोटा सा, आपने कहा भाई करेक्टिव बन गया मैं यहाँ पे खरीदूंगा, मेरा स्टॉप लॉस ये है, देखिए जरा। तो इस तरीके से चाहे डाउ जोन्स हो, चाहे नैसडेक हो, चाहे कोई फ्यूचर हो, कोई भी ऑयल हो, गोल्ड हो, ये टेक्निकल एनालिसिस समझिए। और यही चीज मैं आपको बताता हूँ, पूरी वीडियो सीरीज मैंने बना रखी है, उसमें बेसिक चीजें बिल्कुल लेमैन वाली बता रखी है, और ये सारी चीजें भी आगे आने वाले टाइम पे मैं कवर करूंगा और आप देख सकते हो उनको। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फायदे का सौदा है, आप देखिए काम कीजिए, और साथ में थोड़ा सा मेहनत जरूर लगती है भाई, मेहनत जरूर लगती है। अब आप देख सकते हो ये नैसडेक का चार्ट है, ग्लोबल मार्केट्स की मैंने पूरी पूरी बात करी, और नैसडेक के चार्ट को भी आप देखिए। ये 5 मिनट का चार्ट इसलिए लेता हूं, इंट्राडे में 5 मिनट 15 मिनट बहुत ही बढ़िया, 15 मिनट के टाइम को देखिए, 5 मिनट में जाके आप डिसीजन ले सकते हो। देखिए इस टाइम को देखिए बिल्कुल जंप आया, मैंने आपको पहले भी बता रखा है इंपल्स करेक्टिव का गेम, ये करेक्टिव आया, करेक्टिव ये आपका स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे, ये आपका क्योंकि जॉइंट कैंडल है और आपने इस कैंडल के बाद एंट्री ली, मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, आपने एंट्री ली बाय किया शेयर को, और आपने कहाँ तक, फिर आपकी मर्जी है भाई कहाँ तक बेचो, देखिए कहाँ तक का प्रॉफिट हुआ, फिर से दोबारा आपको एक बहुत ही बढ़िया करेक्टिव मिला, और इस करेक्टिव में आपने देखा ये रिजॉल्व हो गया और यहाँ पे आपने एंट्री ली। देखिए इसी चीज को मैं आपको कहते हो, शेयर कब खरीदना है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, मान लीजिए आप डेली को देख रहे हो, वीकली को देख रहे हो, तो यही तो चीज मैं आपको कह रहा हूं कि ये दिखे कहीं पे इस तरीके से रिजोल्यूशन तो दिखे, जो मेरा करेक्शन चल रहा है इतना टाइम का, वो रिजोल्यूशन तो एटलीस्ट मुझे दिखे, तभी तो मैं एंट्री लूंगा, और मैं ऐसे रिस्क के मामले में अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखूंगा। अगर मैं देखूं कि स्टॉप लॉस कैसे, स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि मैं 10 रुपये नीचे जाके, नहीं, टेक्निकल पॉइंट देखिए, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ये था तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ये पॉइंट था, ये टेक्निकल स्टॉप लॉस होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपने रेंज लगा दी, नहीं 10 रुपये नीचे जाके तो मैं बेच दूंगा, वो वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपका करेक्शन धीरे धीरे रिजॉल्व हुआ, ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे तैयार है, करेक्टिव रिजॉल्व हुआ, एंट्री करी आपने, देखिए कितना गेन। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, करेक्शन रिजॉल्व हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस ये रहा। अब आप खुद सोचिए इतनी छोटी छोटी माइन्यूट चीजें लोग लाखों रुपये लेते हैं, हजारों रुपये लेते हैं ऐसी चीजें बताने के लिए कि कैसा, और मैं यहाँ पे पूरा रिटेल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से आपको चीजें बताता हूँ, ये नहीं कि बड़े इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से, रिटेल इन्वेस्टर यही छोटी छोटी चीजों से अच्छा खासा पैसा मुनाफा कमा सकता है, तो उसको समझना चाहिए कि कैसे मुनाफा कमाया जाए। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेहनत तो हर जगह लगती है भाई, आप जॉब करते हो, कहीं पर भी जाते हो, मेहनत जरूर लगती है, मेहनत समझने में, लर्निंग में, एक बार लर्न हो गया देन अर्न ही अर्न है, ये देखें। और फिलहाल अपडेट आपने देख लिया, जरा एक नज़र फिर से चलते हैं यूएस मार्केट के आंकड़े देखते हैं कहाँ पे दिखा रहा है, और वो जो नंबर्स थे ये देखिए 184-182 पॉइंट ऊपर जा चुका है, फिलहाल पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, इसी चीज़ को देखें समझे। बात करते हैं देखिए निफ्टी के ऊपर, जैसा कि हमने ये देखा निफ्टी को भी आज की डेट में आप देख सकते हो, ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, और इसी तरीके से आप देखिए ये पॉइंट आपका करेक्टिव रिजॉल्व हुआ, ये पॉइंट देखिए आप करेक्टिव रिजॉल्व हुआ, और यहाँ पे
अब ये करेक्टिव रिजॉल्व होकर आपने एंट्री तो जरूर ली, यहां तक ये ऊपर गया, लेकिन आप देखिए अगर आपने स्टॉप लॉस यहां पे लगाया होता जरूर हिट हुआ होता। अरे हिट हुआ है, अब ऐसा नहीं कि आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट नहीं, हिट हुए हैं, लेकिन आपका क्या, यहां पे आपने एंट्री ली, इतना ही स्टॉप लॉस है। आगे आने वाले टाइम पे आप देखोगे कि हाँ भाई मेरा करेक्टिव ये वाला अब रिजॉल्व होगा तो मैं एंट्री लूंगा, अब आप देख सकते हो कहां तक गया। फिर ये करेक्टिव रिजॉल्व हुआ, अगर आप यहां पे भी देख सकते हो कि मेरा करेक्टिव रिजॉल्व हो गया, एंट्री ली है, कहां तक मूवमेंट हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें समझने की कोशिश कीजिए। हमने यहाँ पे बात करी क्रूड ऑयल की, बात करी डाउ जोन्स, नैसडेक की बात करी, ग्लोबल मार्केट्स की बात करी, साथ में निफ्टी सेंसेक्स की बात करी, और ये काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग वाला वीडियो इस तरीके से मैं बनाते रहता हूं, तो आप देख सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में सीखने के लिए मेंबरशिप। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।